गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर सोशल साइंस क्लास। टुडे वी विल रीड द 16th चैप्टर ऑफ हिस्ट्री, क्लास 6, द गुप्ता एम्पायर। इन दिस चैप्टर वी विल रीड अबाउट होल गुप्ता एम्पायर, देयर मेन किंग्स, देयर अचीवमेंट्स, देयर एडमिनिस्ट्रेटिव, सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल कंडीशंस एटसेट्रा। लेट्स स्टार्ट। You have read in the earlier chapter about Kushan rulers. Their last powerful ruler was Vasudev. आपने इससे पहले वाले chapter में Kushan rulers के बारे में पढ़ा। जो Kushans के last powerful ruler थे वो Vasudev थे। Thereafter there was no large empire in India for a few centuries. उसके बाद कुछ centuries तक, कुछ 100 सालों तक इंडिया में कोई भी पावरफुल लार्ज एम्पायर नहीं था। नेक्स्ट लार्ज एम्पायर वाज द गुप्ता एम्पायर। उसके बाद जो नेक्स्ट लार्ज एम्पायर था वो गुप्ता एम्पायर था। इट वाज एस्टेब्लिश्ड बाय श्री गुप्ता इन 275 CE। गुप्ता एम्पायर की स्थापना श्री गुप्ता के द्वारा 275 CE में की गई थी। तो गुप्ता एम्पायर किसके द्वारा एस्टेब्लिश किया गया? श्री गुप्ता के द्वारा 275 CE में। ही वाज सक्सीडेड बाय हिज सन घटोकचा गुप्ता। उसके बाद श्री गुप्ता ने सिर्फ स्थापना की थी, उसके बाद उसका जो बेटा था घटोकचा गुप्ता वो किंग बना। उसने 280 CE से 319 CE तक रूल किया। हाउवर नॉट मच इज नोन अबाउट दीज टू रूलर्स। इन दो रूलर्स के बारे में हमें ज़्यादा नहीं पता, ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं मिली है। हमें सिर्फ इतना ही पता चला है कि गुप्ता एम्पायर की स्थापना श्री गुप्ता ने 275 CE में की थी। उसके बाद उसका बेटा घटोकचा गुप्ता वो किंग बना था, जिसने 280 CE से 319 CE तक रूल किया था। इम्पोर्टेंट रूलर्स, तो गुप्ता एम्पायर के फर्स्ट इम्पोर्टेंट रूलर थे चंद्रगुप्ता वन। ही सक्सीडेड हिज फादर घटोकचा इन द ईयर 319 CE एंड रूल अप टू 335 CE। उन्होंने अपने फादर घटोकचा को सक्सीड किया 319 CE में, और उन्होंने 335 CE तक रूल किया। मतलब अपने पिता घटोकचा के बाद चंद्रगुप्ता वन किंग बने और उन्होंने 319 CE से लेकर 335 CE तक रूल किया। ही वॉज द फर्स्ट इम्पोर्टेंट रूलर ऑफ दिस डायनेस्टी। तो चंद्रगुप्ता वन फर्स्ट इम्पोर्टेंट रूलर थे इस डायनेस्टी के। इट वॉज ड्यूरिंग दिस पीरियड दैट द गुप्ता एम्पायर एक्सपेंडेड एंड देयर अथॉरिटी वॉज एस्टेब्लिश्ड ओवर ऑलमोस्ट द होल ऑफ नॉर्थ इंडिया। इस पीरियड के दौरान ही गुप्ता एम्पायर बढ़ गया था और उनकी अथॉरिटी ऑलमोस्ट कंप्लीट नॉर्थ इंडिया तक फैल गई थी। ही वॉज एज्यूम्ड द टाइटल ऑफ महाराजा धीराज। उन्होंने महाराजा धीराज का टाइटल एज्यूम किया। समुद्रगुप्ता, तो चंद्रगुप्ता वन को महाराजा धीराज कहा जाता था। समुद्रगुप्ता वाज द नेक्स्ट पावरफुल रूलर। नेक्स्ट पावरफुल रूलर समुद्रगुप्ता थे। ही सक्सीडेड हिज फादर चंद्रगुप्ता वन। उन्होंने अपने फादर चंद्रगुप्ता वन को सक्सीड किया 335 CE में। देयर आर थ्री मेन सोर्सेज ऑफ द पीरियड ऑफ समुद्रगुप्ता। समुद्रगुप्ता के पीरियड के बारे में इंफॉर्मेशन थ्री सोर्सेज से मिलती है। सबसे पहले है इंस्क्रिप्शंस ऑन अशोकाज पिलर एट अलाहाबाद। अलाहाबाद में अशोका के जो पिलर बनाए हुए हैं उनके ऊपर राइटिंग्स लिखी हुई हैं, उनसे हमें समुद्रगुप्ता के पीरियड के बारे में पता चलता है। इसके बाद ईरान एडिक्ट, ईरान की जो राइटिंग्स हैं, जो बुक्स हैं, वहाँ से भी समुद्रगुप्ता के बारे में पता चलता है। इसके अलावा थर्ड सोर्स है इन्फॉर्मेशन का, कॉइन्स ऑफ समुद्रगुप्ता। समुद्रगुप्ता ने अपने समय में कॉइन्स बनवाए थे, तो उन कॉइन्स से भी उनके रूल के बारे में पता चलता है कि उसके समय पे एडमिनिस्ट्रेशन और सोसाइटी की कंडीशन कैसी थी।
तो थ्री सोर्सेज हैं इन्फॉर्मेशन के समुद्र गुप्ता के पीरियड के बारे में. फर्स्ट वन इज इंस्क्रिप्शन ऑन अशोकाज पिलर एट अलाहाबाद ईरान एडिक्ट एंड थर्ड इज कॉइन्स ऑफ समुद्र गुप्ता. समुद्र गुप्ता वॉज नोन फॉर हिज लॉन्ग मिलिट्री कैंपेन टू नॉर्थ ईस्ट एंड साउथ ऑफ इंडिया विच एस्टेब्लिश हिज सॉवरनिटी बट नॉट हिज डायरेक्ट रूल. समुद्र गुप्ता को अपनी मिलिट्री कैंपेन के लिए मिलिट्री अभियान के लिए जाना जाता है. उन्होंने अपना यह अभियान नॉर्थ ईस्ट और साउथ इंडिया में चलाया. उन्होंने वहाँ पे अपना कंट्रोल किया परंतु वो डायरेक्टली रूल नहीं करते थे, मतलब उन्होंने इन एरियाज को जीत लिया था. ही इज़ नोन एज द नेपोलियन ऑफ इंडिया. उन्हें इंडिया का नेपोलियन कहा जाता है. ये क्वेश्चन भी आता है एग्जाम में, हु इज़ नोन एज द नेपोलियन ऑफ इंडिया. द आंसर इज समुद्र गुप्ता. वाई? बिकॉज ऑफ हिज मिलिट्री स्किल्स ही वॉज नोन एज नेपोलियन ऑफ इंडिया. बट द गुप्ता एम्पायर वॉज नोट एज लार्ज एज दैट ऑफ मौर्याज. गुप्ता एम्पायर इतना बड़ा नहीं था जितना मौर्य एम्पायर था. वी गेट ए लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट समुद्र गुप्ता फ्रॉम प्रसिस्टि बाय पोइट हरिसेना ऑफ हिज कोर्ट. हम समुद्र गुप्ता के रूल के बारे में, उसके दरबार में एक पोइट थे हरिसेना, उनकी प्रसिस्टि एक बुक का नाम है जिसमें उन्होंने पोएम्स के माध्यम से रूल के बारे में बताया हुआ है, उससे हमें इंफॉर्मेशन मिलती है. चंद्रगुप्ता टू. ही वॉज द सन ऑफ समुद्र गुप्ता. समुद्र गुप्ता का बेटा था चंद्रगुप्ता टू एंड सक्सीडेड हिम इन 375 CE. उन्होंने समुद्र गुप्ता को 375 CE में सक्सीड किया. अकॉर्डिंग टू एन इंस्क्रिप्शन ऑन द आयरन पिलर एट मेहरोली नियर कुतुब मीनार इन दिल्ली ही एज्यूम द टाइटल ऑफ विक्रमादित्य. दिल्ली के मेहरोली नाम के प्लेस पे एक आयरन का पिलर बना हुआ है कुतुब मीनार के पास. उसके ऊपर कुछ राइटिंग्स लिखी हुई हैं, तो उन राइटिंग्स उन शिलालेखों से पता चलता है कि चंद्रगुप्ता टू ने विक्रमादित्य का टाइटल एज्यूम किया था. चंद्रगुप्ता टू को विक्रमादित्य कहा जाता था. यह कहाँ पे लिखा हुआ है? दिल्ली में कुतुब मीनार के पास एक पिलर है आयरन का बना हुआ, उसके ऊपर इंस्क्रिप्शंस लिखी हुई हैं. इन इंस्क्रिप्शंस में लिखा हुआ है कि चंद्रगुप्ता टू को विक्रमादित्य के नाम से जाना जाता था. उन्होंने विक्रमादित्य का टाइटल एज्यूम किया था. तो कुतुब मीनार दिल्ली में है, मेहरोली नाम के प्लेस पे है, और वहाँ पे एक आयरन पिलर है जिसपे इंस्क्रिप्शंस लिखी हुई हैं. द इंस्क्रिप्शन आल्सो टेल अस अबाउट द विक्ट्री कैंपेन ऑफ चंद्रगुप्ता. इन इंस्क्रिप्शन से हमें चंद्रगुप्ता की विजय अभियान के बारे में भी पता चलता है कि उन्होंने किस तरह से कंटिन्यू विक्ट्रीज प्राप्त की थी. चंद्रगुप्ता वाज नॉट ओनली अ ग्रेट वॉरियर एंड एन एबल एडमिनिस्ट्रेटर बट आल्सो अ ग्रेट पैटर्न ऑफ आर्ट एंड लर्निंग. चंद्रगुप्ता ना सिर्फ एक बहुत महान योद्धा थे बल्कि एक अच्छे किंग भी थे, एबल एडमिनिस्ट्रेटर भी थे. इनके अलावा एक आर्ट और लर्निंग के भी वो पैटर्न थे. पैटर्न मीन्स होता है लवर थे, मतलब वो आर्ट को और लर्निंग को लव करते थे, मतलब उन्हें कला बहुत पसंद थी, वो सीखने के भी शौकीन थे. ही हैड मैनी स्कॉलर्स पोइट्स एंड आर्टिस्ट इन हिज कोर्ट. उनके दरबार में बहुत सारे स्कॉलर पोइट और आर्टिस्ट थे. द बेस्ट नाइन वर नोन एज नवरत्न. जो उनमें से बेस्ट नाइन थे उन्हें नवरत्न कहा जाता था. दैट इज कालिदास वाज अ रिनाउंड पोइट ऑफ हिज कोर्ट. कालिदास उनके दरबार के एक बहुत अच्छे कवि रहे हैं. एडमिनिस्ट्रेशन. द किंग वाज द पावरफुल बट ही इंटरेस्टेड द वेलफेयर एंड हैप्पीनेस ऑफ द पीपल. किंग पावरफुल थे परंतु उन्होंने लोगों की भलाई का और लोगों की हैप्पीनेस का भी ध्यान रखा. ही हैड अ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर लाइक मंत्री, सचिव, संधि विग्राहिक, महासेनापति एटसेट्रा. तो उनकी हेल्प करने के लिए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर थी जिनमें मंत्री, सचिव, संधि विग्राहिक और महासेनापति एटसेट्रा इंक्लूड थे. दे एडवाइज एंड असिस्टेड हिम.
ये सभी किंग को एडवाइस देते थे और उनकी हेल्प करते थे। बट द किंग वाज नॉट बाउंड टू एक्सेप्ट देयर एडवाइस, परंतु किंग बाउंड नहीं थे कि वो उनकी एडवाइस को माने। द एम्पायर वाज डिवाइडेड इनटू प्रोविंसेस नोन एज बुक्तीज और देश। उनके किंगडम को प्रोविंसेस में डिवाइड किया गया था, उन प्रोविंसेस को बुक्तीज या देश कहते थे, मीन्स पार्ट्स में डिवाइड किया गया था। दे वर गवर्न बाय उपारिका महाराजा और भोगपति, उन पर गवर्नमेंट उपारिका महाराजा या भोगपति चलाते थे। मोस्टली प्रिंसेस वर अपॉइंटेड ऑफ दीज पोस्ट, मोस्टली जो किंग के बेटे होते थे, प्रिंस होते थे, उन्हें इन पोस्ट पर अपॉइंट किया जाता था। समटाइम अदर कैपेबल एंड वाइज पर्सन वर आल्सो अपॉइंटेड ऑन दिस पोस्ट, कई बार जो दूसरे कैपेबल और वाइज बुद्धिमान जो पर्सन होते थे उन्हें भी इस पोस्ट पर अपॉइंट किया जाता था। द प्रोविंसेस जिन्हें भुक्ति कहते थे वर डिवाइडेड इनटू विश्याज एंड देयर हेड वाज नोन एज विश्यापति, जो प्रोविंसेस थे उन्हें विश्याज में डिवाइड किया गया था और जो उनके हेड होते थे उन्हें विश्यापति कहते थे। ये सब पार्ट्स हैं, जैसे अब हमारी सोसाइटी कंट्री कंट्री से, स्टेट स्टेट से, डिस्ट्रिक्ट डिस्ट्रिक्ट से, विलेजेस में डिवाइड है, वैसे ही उनके टाइम पे इस तरह से डिवीजन होती थी। दे वर हेल्प्ड बाय अ फोर मैन नॉन गवर्नमेंटल कमेटी, उनकी हेल्प फोर मैन की नॉन गवर्नमेंटल कमेटी के द्वारा की जाती थी। द विलेज एडमिनिस्ट्रेशन वाज अंडर द विलेज हेडमैन, विलेज की जो गवर्नमेंट है वो विलेज हेडमैन के द्वारा चलाई जाती थी, जिसे ग्रामेयक कहते थे। द ग्राम पंचायत लुक्ड आफ्टर द नीड्स ऑफ द विलेजेस, ग्राम पंचायत विलेजेस की जरूरतों को पूरा करती थी। डू यू नो द गुप्ता रूलर्स हैड वेल ऑर्गेनाइज्ड आर्मीज विद एलिफेंट चैरियट क्लावरी एंड फूट सोल्जर, गुप्ता रूलर्स की एक बहुत अच्छी वेल ऑर्गेनाइज्ड आर्मी थी, उनकी आर्मी एलिफेंट वाली आर्मी थी, उनके पास एलिफेंट होते थे, चैरियट्स होते थे, क्लावरी होता है जो घुड़सवार होते थे, और फूट सोल्जर पैदल चलने वाले सोल्जर होते थे। बिसाइड दिस देयर वर मिलिट्री लीडर्स नोन एज सामंताज हु सप्लाइड ट्रूप्स टू द किंग्स वेयर एवर नीडेड, इसके अलावा जो मिलिट्री लीडर्स थे उन्हें सामंत कहा जाता था, जो किंग को सेना भेजते थे जब भी किंग को ज़रूरत होती थी, जहाँ भी ज़रूरत होती थी वो अपनी ट्रूप्स मतलब सेना को किंग की हेल्प करने के लिए भेजते थे। तो गुप्ता एम्पायर के जो आर्मी थी उनके पास एलिफेंट थे, रथ थे, घोड़े थे, इसके अलावा पैदल आर्मी भी थी, पैदल चलने वाले सोल्जर भी थे। दिस वाज ऑल अबाउट एडमिनिस्ट्रेशन। इन अवर नेक्स्ट वीडियो वी विल कंटिन्यू विद अवर नेक्स्ट टॉपिक, सोशल कंडीशन, इकोनॉमिक कंडीशन। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।